What's up everyone, this is Nagesh Reddy. I'm also known as PureFX and I'm a beatboxer. I'm beatboxing since 7 years right now. So I'm an instructor at the Dharavi project at the After School of Hip Hop. So there's this friend called Prashant Nayar. I met him at a beatbox battle in D.Y. Battle College and he was the ex-instructor at the Dharavi project, and he told me that he's teaching at a certain place. I was really interested in it, and he's like, I'm gonna get busy with some of my work, so he told me might as well you replace me as an instructor at the school. And I anyway loved teaching beatbox, because when I started off there was, see, beatboxing is like a language, so when I started off there was no one to, like, you know, guide me in a particular way. So I did thousands of mistakes. From those mistakes I had to rectify those, then, you know, like different techniques I thought that I was doing right, but later on when I kept on doing, I realized the way I was doing them was like really wrong. So there was no one there at the moment to rectify it. So what happens is, beatboxing is about muscle memory. So if something gets stuck inside your muscle memory, it's very hard to, you know, get the wrong thing out and turn it around to do the right sound or right technique in particular, to be very precise. So I was really interested in, like, teaching, and I had my private sessions going around the city. So something like this was really great, and it's a real great initiative by Universal Music Kyuki and the Slum Gods Crew. So I came to the school, I had like few students here and there. There was this one student called Meek. He was already in touch with me because I had already done a project with him into another foundation which is already there in Dharavi. So I was familiar about this scene which goes in the Dharavi. करता रैप पब्लिक रैम सुन के होते पागल, गिराता शब्द की में बारिश लो है जैसे बादल, शेर खुद को बोल के तू रहता जैसा नेक है, असली वाले बेस में तू हाड़ वाला फेक है, लिखता गीत बोलता सच्चाइयाँ, दौड़ती है मेरे पीछे नकली परछाइयाँ, दिक्कतें हैं बहुत, हाँ बहुत परेशानियाँ, शंभ फंसे है लोग यही इनकी खामियाँ, खामियाँ है इन लोगों में क्योंकि नशा करते। मैं पहले धारावी रॉक्स में था, जो प्रसाद करके एक लड़का है जो मैं उससे इंस्पायर हुआ था, उसका भाई भी उसमें रैप करता था, तो मैंने पूछा आपका भाई भी कोई है क्या रैप करता है, तो उसने बोला हाँ है, तो मैंने कांटेक्ट पूछा ना, तो उसने बोला बाद में देता हूँ, तो फिर मैं फिर पूछना ही भूल गया मैं, फिर गया मैं, फिर मेरे इधर ना उसके क्लास का एक बंदा है वो इधर रहता था, तो उससे मैं पूछा कि तेरे क्लास में बंदा है क्या, बोलता हाँ है क्या है, बोलता राबर है रे, किया है क्या कुछ इवेंट बिवेंट, हाँ बोला किया ना, मिलेगा क्या, तो उसने बोला चल मिला जाओ। तो फिर हम लोग ऐसे रोज मिलने लगे, फिर ऐसे फ्रेंडशिप हो गया हम लोग का। फिर हम लोग जाके प्रैक्टिस करते थे इधर से उधर, गार्डन जाते थे, फिर बाइक में बैठ के प्रैक्टिस करते, जगह नहीं मिलता था हम लोग करने के लिए, और मेरा घर कभी कभी खाली रहता था तो तब भी मैं कर लेता, उसका कांटेक्ट भी नहीं था मेरे पास। बोलते ना कि 2-3 बजे को कुछ तो मिलने आता था, मतलब बोलते ना इधर बाहर खड़े रहता था दोस्त लोग के साथ आता था, फिर हम लोग मिलते थे, फिर ऐसे हम लोग गार्डन जाते थे प्रैक्टिस करने। गार्डन में भी जगह कोई, मतलब बोलते ना जगह बैठ गया पकड़ गया हम लोग का, तो हम लोग बाइक में बैठ के कर लेते थे, हम लोग करने प्रैक्टिस करते थे हम लोग। और घर वाले भी बोलते ना मना करते मत जाए सब में, कुछ तेरा लाइफ नहीं है। मैं बोला मैं इसमें लाइफ करके बता दूंगा आपको, इसलिए मेरा है कि मैं कुछ करके जाऊंगा आगे। चिल्ला में अंगूर का दाना, मेरा इस मामा बम्बई का साना, ऐसा पैसा साना नहीं, बड़े दीवाना नहीं, तेरा कुछ ठिकाना नहीं, बहन को पटाना नहीं, बाप को बुलाना नहीं, गांजा गांजा। Hi, my name is Prasad Devinder. I am 17 years old and I am a rapper and a beatboxer. मैं वो धाराई प्रोजेक्ट से मैं जाने लगा, तब से उधर तो मैं और मीत गया था, तो उधर कोई पता नहीं कौन है, तो हम लोग सीखने आया उधर, तो हम लोग पता नहीं था कौन है, तो फिर हम लोग डेली आता था, जाते आते फिर मेरे आकाशिक दोस्त थे तो अनिल, तो हम लोग बात करता था, डेली मिलना चालू किया, डेली बीट बॉक्सिंग करते, तो नागेश भाई बोलते सब साथ में रुया करो, तो साथ में इतने बीट बॉक्सिंग करने हैं, जैम सेक्शन ये सब करने हैं, तो हम लोग करता था, तो तब से हम लोग बातचीत करने लगे। और दाराई में ऐसा करना चाहते हैं कि हम लोग को कुछ ऐसा कि कुछ दाराई एक गंदा चीज़ नहीं है, कुछ बन सकता है दाराई भी, तो हम लोग दाराई को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और दाराई प्रोजेक्ट को भी। मैं तो बोलता पढ़ाई भी करो ये भी करो, जो उसको पसंद है वो करने दो, क्यों बोलते थोड़ा आगे जाने दो करके, मैंने भी बोला कर ले बीट बॉक्सिंग, मेरे को करने का ऐसा बोला था, तो मैंने बोला करो मगर पढ़ाई भी करो, पढ़ाई करके ये करके आगे बढ़ो, इसके यही मेरे को कुछ ये करने दो, इसके लिए छोड़ दो, तो जैसा वो आगे बढ़ेगा वो अच्छा ही है, अगर उसमें नहीं आगे बढ़ता तो फिर काम पर भी जाना पड़ेगा, अगर इसमें आगे बढ़ गया अच्छा कामयाबी होके आगे बढ़ गया तो चलता है उसमें, उसको वही करने का तो वही करने दो, अगर नहीं हो रहा तो फिर उसको काम पे जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अपन ऐसा एरिया में धारावी एरिया में मिडिल क्लास है अपन, तो काम पे तो जाना ही पड़ेगा, देखते हैं क्या लिखा है नसीब में। It's not the art form itself, but the way you approach it and the way your attitude towards that art form is. What I have worked on is really is shaping them to become an overall artist. And I have I've been working on their attitude more than their beatbox skills, because beatbox skills are like just 20%. It's more of what attitude you have towards the particular art form. Most of my effort goes in shaping that attitude amongst the kids. So far it's been really great more 6 months, these kids will be like really insane.